सो गाइस वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको डेमो देना चाहूँगा। तो देख सकते हो पे मेरी एक साइट है upload2 जो कि एक प्रोफेशनल पीपीटी वेबसाइट है। सो मैं जैसे यहाँ पे इसके माई फाइल्स वाले सेक्शन में जाता हूँ एंड यहाँ पे किसी भी फाइल का जो है लिंक कॉपी करता हूँ एंड जस्ट इस लिंक को पेस्ट करके ओपन करते हैं। सो जैसे ओपन करके यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे साइट है वहाँ पे वर्डप्रेस पे रिडायरेक्ट हो चुका है एंड यहाँ पे जो से भी हम फाइल जो है डाउनलोड कर रहे हैं उसका यहाँ पे नेम भी लिखा रहा है एंड क्या उसका नेम है क्या उसका साइज़ है। यहाँ से रिपोर्ट भी कर सकता है बंदा यूज़र एंड यहाँ पे उसको जो है फाइल का जो है URL भी देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे जैसे एक टाइमर चलेगा 10 सेकेंड का। उसके बाद जैसे यहाँ पे डाउनलोड का जो डाउनलोड फाइल का बटन है वो यहाँ पे अनेबल होएगा एंड जैसे ही कोई डाउनलोड फाइल पे क्लिक करेगा एक लास्ट पेज आएगा जहाँ पे आप ऐड लगा सकते हो एंड देखो जो ये वाला पेज है यहाँ पे ये भी वर्डप्रेस का है। जैसे मैं डाउनलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ सो देखो यहाँ पे डायरेक्ट जो है वर्डप्रेस यहाँ पे फाइल जो है डाउनलोड हो चुके हैं। सो अगर आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का यहाँ पे SafeLink को अपने पीपीटी वेबसाइट से कनेक्ट करना है सो आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। सो पहले को इस पर टेक्निक पास के एक नई वीडियो में स्वागत है। सो आज की वीडियो में कैसे हम इसी SafeLink बारे में बात करने वाले हैं कि आप उसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, क्या क्या आपको इसमें फीचर मिलता है। अगर आपको यहाँ पे कोई पीपीटी वेबसाइट है करो फाइल अपलोडिंग साइट है करो बनाने की सोच रहे हो तो आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पर वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक करके ऑल पे कर लेना ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे ले आ सके। सो इस चैनल में कैसे आपको ऐसी जो है वेबसाइट डिजाइन से रिलेटेड ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो जो है मिलती रहती है तो आप मेक सुना पे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस डेमो तो यहाँ पे अपने स्टार्टिंग में जो है देख लिया होगा। सो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे जो है SafeLink को ले सकते हो एंड कैसे आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। सो जैसे देख सकते हो यहाँ पे मेरी एक साइट है upload2 जो कि एक प्रोफेशनल पीपीटी वेबसाइट है एंड ऐसा वेबसाइट कैसे बना सकते हो तो ऑलरेडी गाइस मैंने उसका प्ले लिस्ट बनाती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस प्ले लिस्ट को देख के कुछ इस टाइप का जो है साइट जो है रेडी कर सकते हो। A to Z डिटेल्स गाइस मैंने उस सीरीज में बताया तो आप मेक श्योर जो है उसको वॉच करना तो मेक श्योर आप उसे वॉच करें एंड आप भी ना भी कुछ इस टाइप का साइट जो है बना पाओगे। सो बात करते हैं आप इस SafeLink को कहाँ से ले सकते हो। सो इस SafeLink को कैसे मैंने अपने स्टोर पे जो है लिस्ट करा है जो कि है myregistercart.in जो कि मेरा ही ऑनलाइन स्टोर है। सो कुछ 2200 रुपये इसका प्राइस है। यहाँ पे जैसे हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके स्क्रिप्ट को परचेज कर सकते हो एंड यहाँ पे मेक श्योर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है रीड कर लिया कि आपको यहाँ पे WordPress का लाइसेंस मिलेगा एंड आप जो है फाइल को जो है वर्डप्रेस से जो है डाउनलोड करवा पाओगे जो कि मेनली डेटाबेस से लिंक होता है। एंड गाइस इस SafeLink को लेने से पहले आप मेक श्योर कि आपका जो वर्डप्रेस साइट है वो आपका सेम ही होस्टिंग पे हो जहाँ पे आपका पीपीटी वेबसाइट होस्ट है। वैसे जो आपका पीपीटी वेबसाइट होस्ट है वो यहाँ पे मेनली वीपीएस पे होस्ट होगा तो आपका बोथ साइट यहाँ पे वीपीएस पे होस्ट होना चाहिए जिसमें यहाँ पे आपका फाइल अपलोडिंग साइट होस्ट है। एंड यहाँ पे आप डेमो के लिए यहाँ पे इमेजेस भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी इमेज मिल जाएगी। यहाँ पर जस्ट फुल स्क्रीन भी करके आराम से जो है देख सकते हो कि आपको क्या क्या ऑप्शन इसमें जो है देखने को मिल जाता है। अभी के लिए मैं इसे जो है क्लोज कर रहा हूँ। जो बाय करने के यहाँ पे जैसे आपको ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है एंड जस्ट फिर चेकआउट करना है यहाँ पे आप पेटीएम UPI गूगल पे जिससे उससे पेमेंट करके आप जो है SafeLink को ले सकते हो। सो जैसे आप उसे परचेज करोगे आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा एक टेक्स्ट फाइल में, उससे आप जो है इसका मेन zip फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हो। सो डाउनलोड करने में आपको क्या zip फाइल मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो डाउनलोड करने में कैसे आपको कुछ इस टाइप का zip फाइल मिलेगा जिसको यहाँ पे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने में एक फोल्डर आएगा उसके अंदर एक और फोल्डर है, इसको ओपन करते हैं एंड यहाँ पे आपको जो है लाइसेंस की मिल जाएगा, एक नया रिडायरेक्शन कोड मिल जाएगा एंड आपको एक रीडमी का फाइल मिल जाएगा जिसके अंदर इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट लिखा हुआ है। बाकी आपको कोई भी दिक्कत आता है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पे। बाकी अगर आप स्क्रिप्ट को परचेज करते हो तो आपको 1 to 1 के यहाँ पे फ्री इंस्टॉलेशन मिल जाएगा जो कि मैं आपको इंस्टॉल जो है करके दे दूँगा। बाकी यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हुई है तो आप इजिली पढ़ के कर सकते हो। कह रहा हूँ मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करो, मैं आप क्लिक कर दूँगा। कह रहा हूँ मुझे हेल्प के लिए पूछ लो कि कैसे क्या होता है। क्या तो मुझे एक्सेस दे देना, मैं आपके लिए यहाँ पे सेटअप करके दे दूँगा, वरना आपको जो भी प्रॉब्लम आता है वो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी कुछ यहाँ पे 7 स्टेप्स ये है जो कि आप इजीली फॉलो करके जो है इसे इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं आपको कुछ शॉर्ट में जो है इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताता हूँ। मेनली आपको अपलोड में जिप को जो अपने वर्डप्रेस के रूट में अपलोड करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है एंड इसके अंदर यहाँ पे इंक्लूड के फोल्डर के अंदर आपको डेटाबेस की डिटेल्स डालनी होती है एंड इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने में यहाँ पे आपको एक और फाइल मिलता है जो कि रहता है save.php जो कि आपको वर्डप्रेस के रूट में मिलेगा। उसके अंदर एडिट करके आपको अपना वर्डप्रेस का डोमेन डालना होता है एंड जैसे आपको थीम हेडर का कोड डालना है एंड यहाँ पे रिडायरेक्शन कोड सेटअप करना है। रिडायरेक्शन कोड कैसे सेटअप करते हो वो मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ तो आप उसको देख के रिडायरेक्शन कोड सेटअप कर सकते हो। रिडायरेक्शन कोड सेटअप करने में आपका जो SafeLink है यहाँ पे सक्सेसफुली जो है कनेक्ट हो जाएगा एंड बाकी जो लाइसेंस रहता है वो अगर आप स्टोर से परचेज कर रहे हो तो आपको 24 आवर्स पर मिल जाएगा। बाकी आपको इंस्टेंट जो है लाइसेंस चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वहाँ पर जैसे आप मुझे डायरेक्टली जो है पे कर देना एंड मैं आपको फाइल एंड लाइसेंस जो है एक साथ दे दूँगा वन आप स्टोर से परचेस कर सकते हो, मिनिमम 1 से 2 घंटे के अंदर सेंड ही कर देता हूँ। बाकी अगर मैं कहीं बिजी हुआ, ऑफलाइन हुआ, तो हो सकता है कि आपको 24 घंटे लगे। बाकी मेनली जो है मैक्सिमम आपको 24 घंटे के अंदर लाइसेंस जो है मिल जाता है। एंड बाकी अगर आपको SafeLink का ऑर्गेनिक वर्जन चाहिए, जैसे कि आप मैं स्टोर पे जाओगे तो देखोगे यहाँ पे नॉन ऑर्गेनिक वर्जन है। अगर आपको उसका ऑर्गेनिक चाहिए कि आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, तो मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको उसका ऑर्गेनिक वर्जन भी प्रोवाइड कर दूँगा। एंड हो सकता होगा तो मैं, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उनके स्टोर पर यहाँ पे इसका ऑर्गेनिक वर्जन भी लिस्ट कर दूँगा। आप वहाँ से जो है ऑर्गेनिक वर्जन भी जो है परचेज़ कर पाओगे। सो बस आज की वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब। एंड अगर आपने मेरा अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो उसे ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।